सिंधु संस्कृति और सिंधी रेसिपी की अलग पहचान को संजोए सिंधी मेले में पहुंचे सांसद शंकर लालवानी ने एमपी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि सिंधी फूड देश में अद्भुत माना जाता है और लोगों द्वारा खासा पसंद किया जाता है। देखिए ये खास बातचीत। में हमारे साथ अभी मौजूद है सांसद शंकर लालवानी जी और उनसे हम जानना चाहेंगे कि इस फूड फेस्टिवल का क्या उद्देश्य है। देखिए सिंध जब विभाजन हुआ था सिंध वहाँ पर छूट गया, लेकिन सिंध की संस्कृति संस्कार अभी भी जिंदा है। हमारी सब वेशभूषा सामान्य है, लेकिन जो खान पान है उसकी विशेषता है वो आज यहाँ फूड फेस्टिवल में है। देखिए इंदौर जो है वह स्वच्छता के लिए अभी तक देश में जाना और पहचाना जा रहा है, क्या अब सिंधी समाज के इस फूड फेस्टिवल के लिए भी इंदौर देश में पहचाना जाएगा? बिल्कुल पहचाना जाएगा। यहाँ जिस प्रकार से नवाचार हुए हैं फूड फेस्टिवल को लेकर, निश्चित तौर पर ये पूरे देश में एक संदेश है कि हम हमारी संस्कृति भूले नहीं है। एक बार सर आप हमारे दर्शकों के लिए सिंधी भाषा में शुभकामनाएं दे देते। सभी के चेटीचंड हूँ, सिंधी भाषा दिवस जो लख लख बधाई हूँ। देखिए हमारे साथ अभी इस वक्त मौजूद थे सांसद शंकर लालवानी जी जो इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही धूमधाम के साथ सिंधी समाज के द्वारा फूड फेस्टिवल जो है वह मनाया जा रहा है और लगातार यहां लोग आ रहे हैं और जमकर इस फूड फेस्टिवल का आनंद ले रहे हैं। आपके साथ कैमरा मैन अरुण यादव और संवाददाता हर्षिता बघेल, एमपी न्यूज़ इंदौर।